8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है, ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। बलोचिस्तान में हिसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने का फैसला भी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने उम्मीदवारों को गैर जरूरी अवामी इज्तम न करने का मशवरा दे दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए छपवाए गए लगभग 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन ने एक महदूद वक्त में अपनी मेहनत और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए इस अहम जिम्मेदारी की तकमील की। बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जमीनी और हवाई दोनों तरीकों से मुकम्मल किया गया है। तमाम बैलेट पेपर सरकारी प्रेस अदारों से मुतलका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और इनके नुमाइंदों के हवाले किए गए हैं।